आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं डायग्राफ और ब्लेंड्स के ऊपर लेके, लेकिन आप इसको अभी मत समझिए, आप तो ये समझिए कॉन्सोनेंट्स के ऊपर जो फोनिक साउंड होता है कॉन्सोनेंट्स का क्या निकल के आता है उस पे, तो जिससे कि बच्चे को आप एक तो उनकी वोकैब डिक्शनरी इंक्रीज होगी, जो उनका एक डिक्शनरी पावर है, दूसरा उनकी जो रीडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। देखिए हमने एलकेजी क्लास में बच्चों को बहुत पढ़ा लिया है फोनिक साउंड ए वोवेल्स के, जितने पांच होते वोवेल ए ई आई ओ यू, फिर कई सारे वीडियोस आ चुके हैं, कई सारी वर्कशीट आ चुकी हैं, बट कॉन्सोनेंट्स का क्या करना है यार, वोवेल तो पांच ही होते हैं ना, बाकी रेस्ट ऑफ द 21 आपके जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उससे कितने सारे वर्ड्स बनते हैं। तो डायग्राफ्स और ब्लेंड्स के टर्म्स में इसको डिवाइड किया गया है। मैं आपको बता दूं डायग्राफ्स बेसिकली होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स मेक वन साउंड, जब कोई दो कॉन्सोनेंट मिलते हैं आपस में और दो कॉन्सोनेंट मिलके एक साउंड निकालते हैं, एक साउंड बनाते हैं, तो वो हमें हमारे कहलाते हैं डायग्राफ। अगर डायग्राफ की बात करें तो ये देखिए बी और एल, अगर आप सेपरेटली पढ़ेंगे तो बी को हम क्या पढ़ते हैं ब फोनिक साउंड और एल को हम क्या पढ़ते हैं ल, तो वैसे तो ये बल हो जाना चाहिए एक नॉर्मल, अभी हम बात कर रहे हैं बीच में ए में कुछ नहीं लगा, मतलब ये बा है और ला है, लेकिन जब ये कंबाइन होता है कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहे हैं जिसमें ये डायग्राफ कॉन्सोनेंट के साउंड की बात कर रहे हैं तो ये क्या बनता है ब्ल। इसी तरीके से ये बा और रा हो जाना चाहिए तो ये क्या होगा ब्र क्ल फ्ल ग्ल प्ल क्र ड्र फ्र ग्र स्ल स्टी। तो इस तरीके से ये बनते हैं वर्ड्स। और अगर बच्चों को एक बार ये क्लियर हो गया ना कि जैसे आप बार बार, आपको ये लिखवाना नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है, बार बार आप बोलोगे तो वो चीजें ज्यादा बच्चे को क्लियर होंगी। और इसी तरीके से देखिए ब्लेंड्स मैंने लिखा है, ब्लेंड्स क्या होते हैं, ब्लेंड्स होते हैं टू या मोर कॉन्सोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स जो एक साथ ब्लेंड होते हैं, जिसमें हर जितने कॉन्सोनेंट आएंगे, अगर दो कॉन्सोनेंट आएंगे तो उनका हमें आवाज जो है साउंड सुनाई देगी, तीन कॉन्सोनेंट आएंगे थ्री कॉन्सोनेंट आएंगे तो उनकी भी आवाज हमें सुनाई देगी, जैसे स्क, जैसे स्कर्ट बोलिए ना तो यहाँ भी आ गया क भी आ गया, स्कर्ट सारे का सुनाई देगा, जबकि इसमें डायग्राफ में हमारा क्या हो रहा था चा, चेयर की बात कर रहे थे ना, तो ये सी एच अलग अलग नहीं था, इसको एक ही वर्ड हम पढ़ रहे थे चा चेयर। क्लॉक ब्लेंड्स में पढ़ेंगे सी एल क्ल, तो का भी आ जा रहा है ल भी आ जा रहा है। तो चलिए किस तरीके के ये वर्ड्स बनते हैं और क्या क्या हमारे डायग्राफ्स और ब्लेंड होते हैं चलिए आके देखते हैं। जैसे फर्स्ट होता है बी एल ब्ल ब्लैक ब्लड ब्लेड ब्लैंक ब्लेंड ब्लश ब्लू ब्लफ ब्लर। इसी तरीके से ब्र ब्राउन ब्रास ब्रांड ब्रश ब्रेन ब्रिक ब्राइट ब्रिक। आपने बच्चे को सिर्फ पूछना है, एक इकट्ठे मत बताइए, एक दिन में सिर्फ ब्ला की बात करिए, ब्ला से कितने वर्ड उसको बता सकते हैं जिससे कि वो क्लियर हो जाएगा, नहीं नहीं सब में बी एल ही आएगा स्टार्टिंग में। इसी तरीके से सी एल क्लेम क्लिक क्लैप क्लैश क्लास क्लॉक क्ले क्लीन क्लब क्लिप क्र क्रैब क्रैक क्राफ क्रैश क्रो क्र्यू क्राउन क्रस्ट क्रॉस ड्र ड्रैग ड्राफ ड्रेन ड्रॉ ड्रिल ड्रेस ड्रॉप ड्राई ड्रिंक फ्ला फ्ला की बात करें फ्लैग फ्लेम फ्लेक फ्लैप फ्लैग फ्लाई फ्लू फ्लोट फ्लॉक फ्रा फ्रूट फ्रॉस्ट फ्रेम फ्लाई फ्राइट फ्री फ्रेश फ्रॉग फ्रंट। इसी तरीके से कुछ ब्लेंडिंग्स और हैं, देखिए ग्ला ग्लैड ग्लेशियर ग्लैंस ग्लोर ग्लास ग्लाइड ग्लम ग्लोट ग्लू ग्रा ग्रैब ग्रेस ग्रेड ग्रेन ग्रैम ग्रेप ग्रिल ग्रो प्ला प्लान प्लाई प्लेस प्लम्बर प्लैनेट प्ला प्ला की बात हो रही है प्लांट प्ले प्लग प्लग प्लस प्लम स्ल स्लग स्लेट स्लिम स्लैप। देखिए अब ये ब्लेंड है, सा भी आ रहा है एल भी आ रहा है स्लॉट स्लिम स्लिड स्लिप स्लैप स्पिल स्प स्पिल स्पिन स्पेल स्पाई स्पाउट स्पीक स्पोर्ट स्पीड स्टर स्टेप स्टार स्टॉप स्टोरी स्टडी स्टैक स्टैम्प स्टॉक प्र प्रे प्रेस प्राइज प्राइस प्रिंट प्रॉप प्रूफ प्रोजेक्ट प्रॉब्लम ट्र ट्रेस ट्रैक ट्रैम ट्रेन ट्रिप ट्रैश ट्रंक ट्रिक ट्री सी एच
चेन चेयर चौक चैट चीज चिप चिन चिल चेस चेरी। इसी तरीके से कुछ और हम बात करते हैं, स्क स्किल स्काई स्किप स्कल स्किट स्कंक स्किट स्कर्ट एसिन स्न स्निफ स्नेक स्नो स्नैप स्नीज स्टोर स्टोमैन एसिम स्म स्मेल स्मोक स्मग स्मॉल स्मैश स्मॉग स्माइल स्मच एस डब्ल्यू स्व स्विंग स्विफ्ट स्वीप स्वेप स्वेलो स्वैम स्वीट स्वेटर स्क स्कैन स्कैप स्केल स्कार स्कार्फ स्कैल्प स्कोप स्कूप स्प स्पिन स्पिल स्पाई स्पाउस स्पेस स्पाइडर स्प्रे स्पेल स्ट स्टैम्प स्टैग स्टार स्टेप स्टार्ट स्टॉप स्टोरी। तो ये चीजें आप बार बार रिपीट करिए, एक वर्ड ले लीजिए, आप एक ब्लेंड लीजिए, एक डायग्राफ ले लीजिए, स्ट से जितने वर्ड्स आपको और भी वर्ड्स मिल रहे हैं आप आराम से वो लिखिए, लेकिन बहुत टफ मत लिखिए, सिंपल लिखिए, जिससे कि बस बच्चे को मेन फोनिक साउंड समझ में आना चाहिए, उसका एक्चुअल जो साउंड है वो समझ में आना चाहिए। तो ये थे हमारे डायग्राफ्स और ब्लेंड्स, और इन दोनों में ये डिफरेंस था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।